हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आउ आम आस सुंदर वीडियो नहीं आपंक पाखे। आज आम बनवा रेस्टोरेंट स्टाइल प्रॉन मलाई करी देट बहुत इजी प्रोसीजर। तो आसन देख होल भिडटी। आ जदि मो चैनल आप न्यू सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भूलबे नहीं। प्रॉन मलाई करी करने आम कि बेसिक जिनस दरकार। तो सेठ फर्स्ट दरकार आमको ओनियन पेस्ट बा पियाज बटा, अदा रसुण बटा, टमाटो बटा बा टमाटो प्यूरी, आउ किछि गुजराती आउ लवंग। तो आमे जेतु मलाई करी करिबा तो आमे खीरो नडिया खीरो आवश्यक। तो सेति पे आमे गोटे नडिया करि देइछु आउ किछि फ्रेश प्रॉन। तो एठी मु 500 ग्राम रो फ्रेश प्रॉन नेछि आउ मीडियम साइज जो। तो आपन देखि परथि मु प्रॉन टी भलो से धोई देइछि आउ प्रॉन मझिरे गोटे सूता भई थाए तो ताकु भी काढ़ी देइछि। तो आपन जदि जेते बेर प्रॉन बनाउछन्ति निहाती सेटा काढ़ी देवे। तो आम फर्स्ट एवं नड़िया क्षीर बनवा। नड़िया क्षीर बनवाई आम गोटे बड़ कप्रे कपे पा बॉइल करवा और से नड़िया जो करी रखी थी ताकू पकेबा आउ किछि समय फुटेबा। एटलिस्ट 5 to 6 मिनट फुटेबा। आपन चाहिले नड़िया न करिकि भी नड़िया को ग्राइंड करी एमती पानी फुटेकी तार क्षीर काढ़ी पारिबे। तो देखंतु पानी रंग अब धीरे धीरे बदली आसुछि। जेतेले पानी टी क्षीर भई देखा हबो सेतेले जानिबे कि आम नड़िया क्षीर रेडी हो जाइछि। देखो तो एबे व्हाइट हो आसलेनी तबे एबे छाई दबा भलसे चिपुड़ी दबा भी। आजिकाली मार्केट रे भी नड़िया क्षीर मिललेनी तो आपन चाहिले भी नड़िया क्षीर आनी यूज करि परिबे। 500 ग्राम प्रॉन पई एटलिस्ट 200 ml नड़िया क्षीर आवश्यक। तो आपन चाहिले भी बाहर रेडीमेड नड़िया क्षीर आनी यूज करि परिबे। एबे देखो तो आम नड़िया क्षीर तो रेडी ही जाइए। चलो तो चिंगुड़ी को किसी हलदी लुण पक भलसे मैरिनेट करवा। एम हलदी पकईली लुण पकईली आपको भलसे गोड़ेबी आउ एटलिस्ट 7 to 8 मिनट मैरिनेट पे छाड़ देबी। एबे आम चिंगुड़ी भाजवा। तो चिंगुड़ी भाजवाप गोटे पैन में कम से कम 3 to 4 टीस्पून सोरस तेल नवा। आप चाहिए सोरस तेल बदल रिफाइन तेल भी यूज करें। चिंगुड़ी गुड़िक धीरे धीरे कर भाजवा। मलाई करी चिंगुड़ी अधिक भजा हुए जस्ट स्लाइटली भजा हुए। आम दि कड़ स्लाइटली धीरे धीरे भाजवा। बेसी भाजले चिंगुड़ी हार्ड हो तार सफ्टनेसटा पल। तो से आम चिंगुड़ी को हार्डली 3-4 मिनट भाजवा आउ अधिक लाल करिवानी। एबे देखंतु मो चिंगुड़ी दुई पट जाक लाल हो आसीगले। तबे आम गुड़ाक सब एबे काढ़ी दबा। जेहेतु मो चिंगुड़ी 500 ग्राम नहीं तो मुझे स्लोली स्लोली गोटे थर करी एगेन मुझे आउे भाजिकी रखी। देखते सब मोर भजा हो गले सबूतक चिंगुड़ी आउ अधिक भी भाजनी। तो ये देखते यही टाइप रही भाजबे अधिक भाजबे अधिक भाजले हार्ड हो। चिंगुड़ी भाजिकी अलग थोद तरकारी रेडी हाँ। तरकारी आउ किसी तेल नवा एवं एगेन 2 to 3 टीस्पून तेल नहीं जो गरम मसला मुझे रखी थी ना गुजराती आ लवंग तेल में पकईदी आँच मिनट को फुटेबा जमी गुजराती बास्नाटी आसव। वन्स गुजराती बास्ना आसीगले आम जो रखी थी पियाज बटा तो पियाज बटा मिसेबा आउ एटलिस्ट 2-3 मिनट जाक एगेन भाजवा भलसे मसलाटी कषी ना। देखंतु मु पियाज तो मु बटा देछि अपन चाहिले भी फाइनली चॉप्ड ऑनियन भी यूज कर परिबे। एबे देखंतु मोर पियाज बटाटी भलसे कसी आसलेनि। एबे मुझे देवी अदा रसुण पेस्ट। एथिरे मुझे 1 टीस्पून अदा रसुण पेस्ट दिली
आपको एगेन टे भल से कसबे आ गोटे जिनस ध्यान रखुथे मसला कसला हाई फ्लेम रे कसबे सब बेले लो फ्लेम रे ही कसबे सब मसलार बास्ना भी भल हम आल से कसीजी एथिरे मु किछि लंका गुंड मिसेली स्वाद अनुसार लंका गुंड देबे एबे देखंतु मसलाटी तो धीरे धीरे कसी आसिलेनी आ तेलोटी भी मसलारु आसिलेनी तो एबे एई समय रे आमे जो टमाटो बाटी के रखिथिले टमाटो पटटी देबा तो अपन चाहिले टमाटो प्यूरी यूज कर परिबे नहले टमाटो भी चुना चुना काटिकी दे परिबे जेहेतु आमे ग्रेवीटी टिके बहळिया करबा तो सेथिपे आमे टमाटो प्यूरी यूज करिछि तो एबे टमाटो प्यूरी दे भल से टिके कसिबा मसला कसवा समय आम ए हाफ टी स्पून जीरा गुंड आ हाफ टी स्पून हलदी गुंड दे भल से एगेन आपको मिसेदे आगे किस समय कसवा तो आप चाहिए एप पा भी मिसाई पारे पा मिसेक भी कसी पारे एवं देखते मसलाटी पूरा कसी ही आसे पूरा मसलाटी भी पूरा गाढ़ा हो गले तो यही समय आम ए गरम मसला गुंड टे मिसेवा एवं आपको आउ थे भल से मिसेबा आ मसलाटी पूरा संपूर्ण रूपे कसी ही आसे मसलाटी बिल्कुल कंचा रखे नहीं जेहेतु आम ए नड़िया क्षीर यूज करवा मसलाटी कंचा रही नड़िया क्षीरटी फाटी आउ क्षीरटी से भल मिसबन तो देखते मसलाटी भल से कसी जाइए एवं आम ए नड़िया क्षीरटी मिसेबा एवं भल से मसला को नड़िया क्षीर सागर मिस भल से घाटी दबा आपको हम स्लो फ्लेम रे ही करिबा एबे एथरे जेते मसला डी हमर हेई आसलेनी एथरे हम किछि लुण मिसेबा स्वाद अनुसार लुण दबा एते जेते हम खीर मिसै छी अधिक लुण दबानी तो एबे 5-7 मिनट फुटेबा वन सेथरे फुटी गले आमे एथरे सब जो चिंगुडी गुडा भाजी की रखीथिले एथरे दबा तबे देखंतु मो झोल तो एठी फुटी आसी हेलेनी एथरे मु बाकी जो भाजी थिले चिंगुडी रु सब थरे मिसै देबी आ हो एटा अधिक झोल करिवेनी जेहेतु मलाई करी हम झोल टिके गाढ़ा हम आ बहलिया झोल हम सो धीरे धीरे करेंगे 5-7 मिनट धीरे धीरे स्लो फ्लेम को फुटेबे सो दे टेस्ट भल आसब आउ चिंगुड़ी भितर भी मसलाटी पसब तो ये स्लो फ्लेम 5-7 मिनट फुटिया को छाड़ी दबा एवं देखो आमर तरकार तो रेडी आसे तो आम आपको चाहिए गरम रुटी आ गरम भात भी खाई तो यहाँ आपन को डिपेंड करे आ फुल प्लेट आप देखी आप कमी लगे प्लीज कमेंट सेक्शन में जनइबे जदि आप भिडटी भल लगी लाइक और शेयर करने बिल्कुल भूल मु तो यहीपर बनैली आपड़ केमी घर बना केमी आप चिंगुड़ी रोष करते प्लीज मत जनइबे तो आजपाई ये रहा आगामी देखा नेक्स्ट एपिसोड जय जगन्नाथ।